गाइस लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जब भूतिया टिप्सन विलन का किल कर देता है तो उसके बाद रो फिरो आयरन मैन के घर पे विलन को लेके आ जाता है और आयरन मैन उसको विलन को जिंदा कर देता है और उसके बाद रो फिरो और विलन अपने घर पे चले जाते हैं और आयरन मैन भी उनके पीछे पीछे अपना सूट अपग्रेड करके उनके घर पे पहुंच जाता है। और घर पे जाने के बाद आयरन मैन रो फिरो से उस भूतिया टनल के बारे में मालूम करता है जहाँ पे वो सब भूत रहते हैं और उसके बाद आयरन मैन बिना कुछ सोचे समझे उस भूतिया टनल की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही वो भूतिया टनल पे पहुंच जाता है तो सबसे पहले उस भूतिया टनल का गेट तोड़ता है और उसके बाद आयरन मैन उस भूतिया टनल के अंदर जाता है, लेकिन अंदर उसको कोई भी भूत नहीं मिलता तो वो वापस से बाहर आता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसको ग्रैनी ग्रैंडपा मिल जाते हैं और आयरन मैन इनका ही वेट कर रहा था। तो आयरन मैन ग्रैनी और ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन उसको सर्बियन डांसिंग लेडी नहीं मिलती। और कुछ टाइम के बाद सर्बियन डांसिंग लेडी भी उसको मिल जाती है और फिर उसको देखते ही आयरन मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने ही टिप्सन को भूतिया टिप्सन बना दिया था। सर्बियन डांसिंग लेडी को देखते ही आयरन मैन को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके सर्बियन डांसिंग लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तब भी वो सर्बियन डांसिंग लेडी नहीं मरती और आयरन मैन उस सर्बियन डांसिंग लेडी को मारते मारते रो फिरो के घर पे लेके आ जाता है और वो वहां पे भी सर्बियन डांसिंग लेडी को बहुत ज्यादा मारता है। लेकिन जब रो फिरो आयरन मैन से टिप्सन को जिंदा करने के लिए कहता है तो आयरन मैन कहता है कि उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है और अब स्पाइडर मैन ही टिप्सन को जिंदा कर सकता है। तो गाइज अब टिप्सन को जिंदा कौन करेगा ये देखते हैं इस एपिसोड में। अरे रो फिरो भैया यार, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो खड़े हुए, जल्दी से मेरे को बताओ। मेरे को आयरन मैन भैया ने भेजा है और मेरे को फटाफट से बताओ मेरे को क्या करना है, क्योंकि अभी मेरे को लॉस सैंटोस में काफी सारे आदमियों को भी बचाना है। अरे हाँ हाँ रो फिरो, जल्दी से बताना स्पाइडरमैन को क्या काम है उससे। अरे हाँ हाँ विलन, बता तो रहा हूँ, तू बीच में क्यों बोलता है मेरे। हर बार तुझसे मैंने मना किया है ना कि तू मेरे बीच में मत बोला कर, लेकिन फिर भी तेरे को जो ना बीच में टांग अड़ाने की जरूरत है। खैर छोड़ो यार, इस विलन को जो ना समझाना भी बेकार है क्योंकि ये जो ना हमेशा फाइट के मूड में खड़ा रहता है। अरे उसको छोड़ो। अरे स्पाइडरमैन, मैं तुमसे ये कह रहा था कि हमें जो ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। हमारा दोस्त जो टिप्सन है ना, वो तीसरे माले पे से कूद गया और उसकी वजह से ना उसकी जान चली गई है, तो हम ये चाह रहे थे कि तुम हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। अरे रो फिरो भैया, बस इतनी सी बात, फटाफट से मेरे को बताओ कि तुम्हें किस टाइप की हेल्प चाहिए मेरे से। अरे वो क्या है ना स्पाइडरमैन, हमारे लॉस सैंटोस में ना एक भूतिया टनल है तो उसमें जो ना मैजिकल वाटर रखा हुआ है। तुम एक काम करो, फटाफट से उस टनल में जाओ और वहां से वो मैजिकल वाटर उठा के ला दो, उसके बाद जो कुछ करना है हम कर लेंगे, बस तुम वो मैजिकल वाटर उठा लाओ। अरे यार रो फिरो भैया, तुम इतनी सी हेल्प के लिए इतने ज्यादा हिचकिचा रहे थे। ये तो मेरे 2 मिनट का काम है और वो भी बाएं हाथ का खेल है। अभी जाता हूँ मैं भूतिया टनल में और देख के आता हूँ कहाँ पे मैजिकल वाटर मिलेगा, भूतिया टनल में किस जगह मैजिकल वाटर मिलेगा, मैं अभी लेके आ जाता हूँ। अरे यार ये रो फिरो भैया तो मेरे को बहुत ज्यादा हॉपलेस लग रहे हैं, देख ले रहे हो कितने ज्यादा घबरा के बोल रहे थे, मेरे को लगता है इनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा। और हाँ वैसे भी तो टिप्सन इनका पक्का दोस्त है ना, और उसका यार डेथ हो चुकी है, तो इसलिए जो है ना ये इतने ज्यादा हॉपलेस मेरे को लग रहे थे, लेकिन मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। वैसे मेरे पास जो है ना बहुत सारी सुपर पावर है, तो इसलिए मैं फटाफट से जाता हूँ और भूतिया टनल देखता हूँ और भूतिया टनल से जो ना मैजिकल वाटर लेके आता हूँ। अरे यार लेकिन मैं रो फिरो भैया से एक बात तो मालूम करना भूल ही गया, भूतिया टनल कहाँ पे है, मैंने तो मालूम ही नहीं करा कि भूतिया टनल कहाँ पे है। और अब तो मैं वैसे भी यार घर से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, अब तो यार मेरे को खुद ही ढूंढना होगा कि वो भूतिया टनल कहाँ पे है। इधर तो कहीं भी मेरे को भूतिया टनल दिखाई नहीं दे रही, फिर भूतिया टनल कहाँ पे होगी, मैं जल्दी से चलता हूँ। अरे वो भूतिया टनल कहाँ पे है, और ये मेरा स्पाइडर भी इतनी जल्दी काम नहीं करता। अरे यार मैं फटाफट से चलता हूँ और देख के आता हूँ भूतिया टनल। अरे भूतिया टनल मिल जाए, कहाँ पे है भूतिया टनल, यार मेरे को तो कहीं पे भी नहीं दिख रही। एक काम करता हूँ फटाफट से जाता हूँ और किसी से मालूम करके आता हूँ कि भूतिया टनल कहाँ पे है, लगता है इधर कोई बैठा है, तो फटाफट से मैं वहीं जाता हूँ। अरे लेकिन ये क्या, इन्होंने तो मेरे को देखा ही नहीं। अरे तुम्हें पता है कि यहाँ पे भूतिया टनल कहाँ पे है? अरे नहीं नहीं हमें नहीं पता कहाँ है भूतिया टनल, और जाओ हमारा टाइम खराब मत करो। अच्छा तो मैं तुम्हारा टाइम खराब कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें जाती का है तेरी ऐसी की तैसी, अभी बताता हूँ तुझे भी। ये ले तू मेरा वैब सिमाल, तू मेरा वैब ही नहीं सिमाल पाएगा। अभी देखो ये तो मर चुका है और अभी इसको भी मारता हूँ, ये कहाँ पे जा रहा है, तू भी निकल यहाँ से, कहाँ जा रहा है ये ले। अरे अभी और कोई तो नहीं रहा, देखता हूँ फटाफट से, वैसे कोई रहना तो नहीं चाहिए, एक और ये रहा तू भी ले। अरे अभी एक और लगा है मेरे को कि एक और बच गया है अभी, लेकिन देख के आता हूँ कहाँ पे है, लेकिन अब तो कहीं पे भी नहीं है,
तो मैं फटाफट से यार उस भूतिया टनल को देखता हूँ, लेकिन यार रो पीरो भैया से मैंने मालूम ही नहीं किया कि भूतिया टनल कहाँ पे है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ढूंढते ढूंढते उस भूतिया टनल के पास पहुँच ही जाऊंगा। लेकिन यार मेरे को ये तो मालूम है ही नहीं कि मैं कब तक पहुँचूंगा। चलो जब तक भी पहुँचू, खैर पहुँच तो जाऊंगा ही, लेकिन अब मेरे को फटाफट से अपना वेब फेंकना होगा और उसके बाद अपने वेब से मैं फटाफट से चलता हूँ। ये मैंने वेब लगाया और मैं फटाफट से चलता हूँ और आगे चलता हूँ। वेब लगा लगा के देखता हूँ कि टनल कहाँ पे। इधर तो यार मेरे को कहीं भी टनल नहीं दिख रही, और आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि टनल कहाँ पे। अरे यार एक तो मेरे को अपनी टनल नहीं मिल रही, और ऊपर से देखो ये कार वाला बहुत हल्के चला रहा है, इसको ही उठा के फेंक दूंगा। एक तो मेरे को गुस्सा दिला रहा है। नहीं चलो यार छोड़ो, इसको छोड़ता हूँ और फटाफट से मैं इधर चलता हूँ। लेकिन एक मिनट, अरे यार ये इधर टूरिस्ट क्या कर रहे हैं, इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कैसी की तैसी ये लो, और तू क्या कर रही है, तू भी ले। और इनके ऊपर मैं फटाफट से वेब लगाता हूँ, क्योंकि वेब लगाने से ना ये कहीं भी चले जाए वहीं से आ जाएंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फटाफट से देखो मैंने वेब लगाई, और ये देखो मेरी वेब का कमाल देख रहे हो ना, कितनी खतरनाक वेब है मेरी। अभी देखता हूँ मैं दोबारा से वेब लगाता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी कांगिया, अभी ये रहा। अरे तेरी ऐसी की तैसी ये लोग गाय। अभी देखो मैंने कितना खतरनाक पटक के मारा इसको, तू भी ले। और गाय अभी एक और बचना था, उसके ऊपर भी वेब लगाता हूँ फटाफट से। ज्यादा गाय तेरी ऐसी की तैसी। अभी देखो ये टूरिस्ट जो ना हमेशा यहीं पे घूमने आते हैं, इनको पता नहीं कोई और जगह नहीं मिलती क्या घूमने के लिए। मैं फटाफट से चलता हूँ, एक ही जा रहा, इसको बताता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, देख रहे हो ना आप मेरे स्टंट देख रहे हो, मेरी वेब का कमाल है ये सब। अरे चलो यार वेब वेब को छोड़ो, और अब मैं फटाफट से भूतिया टनल को देखता हूँ कि वो भूतिया टनल कहाँ पे है। इसको भी छोड़ो यार, ये तो मरी गया लगता है, फिर आए। लेकिन यार अभी नहीं मरा था, चलो अब तो मर चुका है। अब मैं फटाफट से चलता हूँ और भूतिया टनल देखता हूँ कहाँ पे है। इधर तो यार मेरे को कहीं भी भूतिया टनल नजर ही नहीं आ रही, तो फिर मैं क्या करूँ यार। टिप्सन फिर कैसे जिंदा होगा अगर मेरे को भूतिया टनल नहीं मिली तो। एक काम करता हूँ मैं इधर चलता हूँ। अरे इधर भी कहीं नहीं है, मैं क्या करूँ मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इधर चलता हूँ, इधर तो ऐसे मेरे को भूतिया टनल मिल जाए। लेकिन एक मिनट, इधर भी नहीं है। एक मिनट मैं आ चुका हूँ भूतिया टनल। ये मेरे को टनल मिल चुकी है, शायद से यही भूतिया टनल है। अरे लेकिन मैं फिर से कहाँ पे आ गया, मेरे को फिर से नीचे जाना होगा। फटाफट से चलता हूँ, हाँ यही जगह है वो। और ये रही भूतिया टनल, मेरे को भूतिया टनल मिल चुकी है। अब मैं फटाफट से इसके अंदर चलता हूँ, और पहले तो इसके गेट को तोड़ना पड़ेगा। अरे यार इसका गेट भी नहीं टूट रहा, क्या करूं मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कैसे तोड़ू मैं इसके गेट को। अरे मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, रो पीरो भैया को फोन लगाऊं क्या। अरे नहीं, यहाँ पे एक ड्रम तो रखा हुआ है। फटाफट से अपनी दूसरी एनर्जी निकालता हूँ और उससे जो ना इस ड्रम को गेट पे फेंक के मारूंगा। ये लो अभी देखो ये गेट भी पूरा टूट चुका है। अरे वाह, मैंने तो कर दिखाया। मैं फटाफट से अंदर चलता हूँ और वहां से जो ना मैजिकल वाटर उठा के लाता हूँ। अरे यार अब मैं फटाफट से अंदर चलता हूँ, लेकिन अंदर भूत तो नहीं है। वैसे आयरन मैन ने तो भूत को मार दिया, तो मेरे को डरने की क्या जरूरत है। अब मैं फटाफट से अंदर चलता हूँ और ये रहा मैजिकल वाटर। अरे वाह, मेरे को मैजिकल वाटर भी मिल चुका है। फटाफट से मैं अंदर चलता हूँ और इस मैजिकल वाटर को ना उठा के लाता हूँ, और उसके बाद जो ना इसको रो फिरो को देख आता हूँ। अरे ये मैं कहाँ कहाँ पे चढ़ रहा हूँ, मेरे को मैजिकल वाटर उठाना है, मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। चलो फटाफट से मैं मैजिकल वाटर उठाता हूँ, और ये रहा मैजिकल वाटर। अभी देखो मैं फटाफट से उठाता हूँ और इसको जो ना रो फिरो को देख आता हूँ। अरे रो फिरो भैया देखो, मैंने जो ना तुम्हारे को मैजिकल वाटर ला दिया है, अब फटाफट से तुम इसका यूज करो और टिप्सन भैया को जिंदा करो यार फटाफट से। अरे हाँ हाँ स्पाइडरमैन यार, मैं वही तो कर रहा हूँ, वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैजिकल एग तो हमारे को पहले ही मिल चुका था, और अब ये मैजिकल वाटर भी मिल चुका है, तो अब मैं फटाफट से यार वही तो कर रहा हूँ, मैं टिप्सन को जिंदा कर रहा हूँ। वैसे मेरे को लग रहा है कि टिप्सन जिंदा हो जाएगा। ठीक है रो पीरो भैया, तुम इसको जिंदा करो और मैं चलता हूँ। टाटा बाय बाय रो पीरो भैया, फिर मिलेंगे। गाइस यार देखा आपने, स्पाइडरमैन ने हमारा कितना साथ दिया। स्पाइडरमैन भूतिया टनल में गया और वहां से जो ना हमारे को मैजिकल वाटर ला के दिया, जिससे कि हम टिप्सन को जिंदा कर पाए। और गाइस अभी मैं वही ट्राई कर रहा हूँ टिप्सन को जिंदा करने की। हमारे पास ना एक मैजिकल एग था और हमारे को एक मैजिकल वाटर भी मिल चुका था, तो इसकी वजह से हम टिप्सन को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी ये पता नहीं है कि टिप्सन जिंदा होगा या फिर नहीं होगा। वैसे लग तो रहा है कि टिप्सन जिंदा हो जाएगा। एक मिनट गाइस, अब मैं फटाफट से ऊपर चल के देखता हूँ कि टिप्सन अभी तक जिंदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बट गाइस अभी भी जो ना यहाँ पर रिएक्शन चल रही है, बट अभी तक टिप्सन जिंदा नहीं हुआ। बट गाइस यार मेरे को तो पूरा यकीन है कि जिंदा हो जाएगा। लेकिन यार विलन, तेरे को क्या लगता है कि टिप्सन जिंदा होगा या फिर नहीं? अबे रो फिरो, तू पागल है क्या? अभी भी मेरे से मालूम कर रहा है, ये देख टिप्सन जिंदा हो चुका है। सच में यार, तेरे मैजिकल वाटर और मैजिकल एग ने तो यार दोबारा से टिप्सन को जिंदा कर दिया। अरे वाह गाइस, यार ये तो सच में कमाल हो गया। मतलब कि आप देख रहे हो ना, टिप्सन खड़ा तो हो चुका है। अरे वाह सच में गाइस, यार देखो अभी जो अपना दोस्त टिप्सन है ना, वो जिंदा हो चुका है। सच में गाइस यार मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और यार अभी मैं क्या करूं, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, टिप्सन से ही मालूम करते हैं कि टिप्सन दोबारा से जिंदा हो चुका है, तो उस खुशी में हमारे को क्या करना चाहिए। फटाफट से बता टिप्सन हमारे को क्या करना चाहिए। अरे यार रो फिरो, तू इस खुशी में कुछ भी मत कर, बस तू जो ना एक काम कर ले,
कि अपने व्यूअर्स के ना यार सॉर्ट आउट दे दे, क्योंकि तूने जो ना बहुत टाइम से अपने व्यूअर्स के सॉर्ट आउट भी नहीं दिए हैं, तो अपने व्यूअर्स के सॉर्ट आउट दे दे यार इस खुशी में। ओके, तो वो तो मैं टिप्सन कर ही दूंगा, बट एक बात तो बता कि तूने तीसरे मंजिल से कूद के खुदकुशी क्यों की थी? अरे यार फिर मैंने खुदकुशी नहीं की थी, ये जो विलन है ना इसने मेरे को तीसरे मंजिल से नीचे फेंका था। क्या विलन ने तेरे को तीसरे मंजिल से नीचे फेंका था? विलन मैं कह रहा हूँ अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता अपने घर में। तू अपने दोस्त के साथ ही गद्दारी कर रहा है। चुप कर यार रोफिरो, तूने पता नहीं क्या लगा रखा है। अबे जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ना। अब तो हम नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे। और हाँ रोफिरो तू कहाँ है, फटाफट से अपने व्यूअर्स के शॉर्ट आउट दे यार। ओके तो टिप्सन मैं अभी दे देता हूँ। ओके तो गाइज ये रहे आज के आपके शॉर्ट आउट, एंड आज का फर्स्ट शॉर्ट आउट जाता है अनिकेत को जो कि कोठाला से मेरी वीडियो को देखते हैं, एंड आज का सेकंड शॉर्ट आउट जाता है पारस को जो कि दिल्ली से वीडियो को देखते हैं, एंड आज का थर्ड शॉर्ट आउट जाता है पार्थ को जो कि अजमेर से वीडियो को देखते हैं, एंड आज का फोर्थ शॉर्ट आउट जाता है प्रीत चौधरी को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड आज का फिफ्थ शॉर्ट आउट जाता है गौरव यादव को, ये इंडिया में गाजियाबाद से मेरी वीडियो को देखते हैं, एंड आज का सिक्स शॉर्ट आउट जाता है ब्लैक स्पाइडर 2.0 को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड सेवेंथ शॉर्ट आउट जाता है संजय सैनी को, एंड एट्थ शॉर्ट आउट जाता है सत्यजीत को, एंड नाइन्थ शॉर्ट आउट जाता है बलराम कुमार सिंह को, एंड टेंथ शॉर्ट आउट जाता है श्रियांश को, एंड इलेवेंथ शॉर्ट आउट जाता है दिव्या को, और ट्वेल्थ शॉर्ट आउट जाता है आयुष को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है हरप्रीत को जो कि हरियाणा से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है मुनीब को जो पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है करण को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है कुणाल को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है ताफिम को जो कि बांग्लादेश से वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है नमन साहू को जो कि इंडिया से ही वीडियो को देखते हैं, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है मोहम्मद तहूर को, एंड नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है विकास कुमार को, एंड गाइज इन्होंने मालूम किया है कि आपका नाम क्या है, तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद उसामा है, एंड गाइज आज का नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है याहया को जो कि पाकिस्तान से वीडियो को देखते हैं, एंड आज का लास्ट शॉर्ट आउट जाता है आरव को, एंड गाइज अगर आपको भी अपना शॉर्ट आउट चाहिए ना तो फटाफट से वीडियो पे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपका भी शॉर्ट आउट मिल जाएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड फ्रेंड्स आप कहां से वीडियो को देखते हो ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।